सामने के सामने आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपके नींबू का पौधा सूख रहा है धीरे धीरे, जैसे कुछ कभी कोई टहनी सूख रही है, कभी कोई टहनी सूख रही है, उसके अगर निवारण मतलब उसका इलाज करना है तो किस प्रकार कर पाएंगे। दोस्तों इसका सबसे मेन कारण होता है तने के अंदर जो कीट होता है वो उसको खाता है, जिस वजह से वो क्या पौधा एक तना जैसे जिस तरफ से ज़्यादा खा के वो सूखने लग जाता है। तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिंपल सा इलाज है। दो कीटनाशक चाहिए, ये पहला है धर्मकोप और दूसरा है अपना हमला। धर्मकोप आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर और जो ये हमला है वो 2.5 मिली प्रति लीटर मिलाकर एक साथ स्प्रे कर देना प्रति लीटर। अगर आप 20 लीटर की ढोलकी में डालकर कर रहे हैं, जैसे अगर आपका एक ही पौधा है तो एक पौधे के लिए एक ढोलकी जरूर भर लें, जैसे कह रहे हैं मतलब 2.5 लीटर जितने लीटर की आपकी ढोलकी उतना आप डाल लें। 2.5 ग्राम आपको डालना है धर्मकोप और 2 मिली डालना है अब हमला, दोनों को मिलाकर तने के ऊपर और पत्तों के मतलब बूटे को अच्छी तरह से धो देना है, पूरे बूटे को। पूरे बूटे को धोने के बाद कुछ ही दिनों के बाद देखिए जो आगे बूटा सूख रहा है वो नहीं सूखेगा, जो पहले सूख चुका वो हरा भी नहीं होगा। दोस्तों इसमें एक ऐसा होता है कि नई टहनी फूटने लग जाएगी, एक बार इसका स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो, किसी और तरह का बूटा या पौधा हो, आपके बागवानी करते हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।